पटना मेट्रो के लिए अब बिहार के लोगों को और ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। राइट्स ने पटना मेट्रो की संशोधित डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी DPR नगर विकास एवं आवास विभाग को सौंप दिया है। इसके साथ ही पटना में मेट्रो शुरू होने का यह प्रोजेक्ट अब एक कदम और आगे बढ़ गया है। नगर विकास विभाग अब इस DPR को कैबिनेट में भेजने की तैयारी में लग गया है, जिससे यह केंद्र को भेजा जाएगा। उधर इसके फंडिंग की बात कर रहे विश्व बैंक सहित अन्य एजेंसियों से भी बात चल रही है। अब सब कुछ केंद्र के ऊपर निर्भर है। अगर पटना मेट्रो को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिल जाती है तो इसका काम शुरू हो जाएगा। बता दें कि मेट्रो का यह प्रोजेक्ट 19,500 करोड़ रुपए का है। इस बजट में 20% राज्य सरकार को और 20% केंद्र सरकार को फंडिंग करनी है। बाकी की 60% राशि के लिए राज्य सरकार को लोन लेना होगा। इसके साथ ही मेट्रो के लिए जमीन भी राज्य सरकार को ही उपलब्ध करानी होगी। बिहार के लोग पटना में मेट्रो शुरू किए जाने को लेकर बहुत उत्साहित हैं और इंतजार में हैं कि आखिर कब वे अपने शहर पटना में मेट्रो का सफर कर पाएंगे। बहरहाल DPR सौंपे जाने के बाद अब उनका इंतजार खत्म होता दिख रहा है।